दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम साउथ सिनेमा और बॉलीवुड से आने वाली 10 हाई बजट पैन इंडिया मूवी के बारे में बात करने वाले हैं, जिसे 2023 और 2024 के बीच रिलीज किया जाएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, 2021 और 2022 में साउथ सिनेमा से पुष्पा द राइज, KGF चैप्टर 2 और RRR जैसे ब्लॉकबस्टर मूवी देखने को मिली थी, लेकिन 2023 और 2024 में भी बॉलीवुड और साउथ सिनेमा से कई ब्लॉकबस्टर मूवी देखने को मिलेगी, जिसे पैन इंडिया लेवल पर रिलीज किया जाएगा। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 10, कैप्टन मिलर। दोस्तों, ये फिल्म 2024 में आने वाली एक हाई बजट पैन इंडिया मूवी होने वाली है और ये एक्टर धनुष की करियर की सबसे महंगी मूवी होने वाली है। जिस फिल्म को साउथ इंडस्ट्री के जाने माने डायरेक्टर सनी कईधाम के द्वारा डायरेक्टिंग की गई है और इस फिल्म के लीड रोल में हमें धनुष, प्रियंका मोहन, संदीप किशनैम और शिवा राजकुमार जैसे बड़े स्टार्स नजर आने वाले हैं और इस फिल्म को तमिल, तेलुगु और हिंदी भाषाओं में रिलीज किया जाएगा। नंबर 9, योद्धा। दोस्तों, ये फिल्म बॉलीवुड की आने वाली एक हाई एक्शन थ्रिलर मूवी होने वाली है और इस फिल्म में सिद्धार्थ मल्होत्रा शेरशाह और सोल्जर जैसे फिल्म के बाद एक आर्मी के रोल में नजर आने वाले हैं और इस फिल्म में इनके साथ दिशा पाटनी और राशि खन्ना जैसे स्टार्स नजर आने वाली है और ये बॉलीवुड की एक मोस्ट अवेटेड हाई एक्शन मूवी होने वाली है, जिसे 7 जुलाई 2023 को रिलीज किया जाएगा और इस फिल्म की डायरेक्टिंग करण जौहर के द्वारा की गई है और ये शेरशाह के बाद सिद्धार्थ मल्होत्रा की दूसरी सबसे बड़ी फिल्म होने वाली है। नंबर 8, किंग ऑफ कोठा। दोस्तों, ये फिल्म 2023 में साउथ सिनेमा की आने वाली गैंग स्टार एक्शन फिल्म होने वाली है। इस फिल्म के लीड रोल में हमें दुलकीर सलमान, साबिर कलारकल और ऐश्वर्या लक्ष्मी जैसे सुपरस्टार नजर आने वाले हैं और इस फिल्म में हमें दुलकीर सलमान एक गैंग स्टार के रोल में दिखाई देने वाले हैं और ये फिल्म पैन इंडिया लेवल पर रिलीज होगा, जिसे 2023 में रिलीज किया जाएगा। दोस्तों, इस फिल्म को 50 करोड़ रुपए की हाई बजट में बनाया गया है और इसमें एक्टिंग और डायरेक्टिंग दोनों ही दुलकीर सलमान के द्वारा की गई है। नंबर 7, मैदान। दोस्तों, ये फिल्म अजय देवगन की एक मोस्ट अवेटेड एंड एक्शन ड्रामा फिल्म होने वाली है। इस फिल्म में अजय देवगन फुटबॉल कोच सैयद अब्दुल रहीम के रोल में नजर आने वाले हैं और इस फिल्म के लीड रोल में अजय देवगन के साथ प्रिया मानी नजर आने वाली है और मैदान फिल्म की डायरेक्टिंग अमित शर्मा के द्वारा की गई है, जो कि गोलमाल, थैंक गॉड और दृश्यम 2 जैसे फिल्म को बना चुके हैं और अमित शर्मा की एक फिल्म बधाई हो को नेशनल अवार्ड भी मिल चुका है और इस फिल्म को 17 फरवरी 2023 को रिलीज किया जाएगा। नंबर 6, NTR 3-0। दोस्तों, NTR 3-0 जूनियर NTR की एक्शन ड्रामा फिल्म होने वाली है और इस फिल्म को पैन इंडिया लेवल पर रिलीज किया जाएगा। दोस्तों, ये फिल्म जूनियर NTR की RRR के बाद दूसरी सबसे बड़ी महंगी मूवी होने वाली है। इस फिल्म को 300 करोड़ रुपए की हाई बजट में बनाया गया है और इस फिल्म के लीड रोल में हमें जूनियर NTR के साथ आलिया भट्ट भी नजर आने वाली है। दोस्तों, इस फिल्म की डायरेक्टिंग हरी कृष्णा के द्वारा की गई है, जो कि रंगदे जैसे फिल्मों को बना चुके हैं और इसकी टीजर कुछ महीने पहले ही रिलीज हो चुकी है। नंबर 5, पठान। दोस्तों, ये फिल्म बॉलीवुड की एक पैन इंडिया मूवी होने वाली है और ये फिल्म शाहरुख खान की एक कमबैक मूवी भी होगी, क्योंकि पिछले 5 साल में शाहरुख खान की बॉलीवुड में कोई भी फिल्म नहीं आई है और इस फिल्म के लीड रोल में शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम जैसे सुपर स्टार नजर आएंगे। इस फिल्म को 250 करोड़ रुपए की बजट में बनाई गई है और इस फिल्म को फिल्म मेकर सिद्धार्थ आनंद के द्वारा बनाया गया है। दोस्तों, इस फिल्म को 25 जनवरी 2023 को रिलीज किया जाएगा और इस फिल्म के लिए अभी से ही सारा थिएटर बुक हो चुका है, तो आप इसी बात से यह अंदाजा लगा लीजिए कि यह फिल्म कैसी होने वाली है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, पठान मूवी अपने बॉक्स ऑफिस पर कैसी कलेक्शन कर पाएगी, इस वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। नंबर 4, कब्जा। दोस्तों, ये फिल्म साउथ सिनेमा से आने वाली एक बड़ी एक्शन थ्रिलर मूवी होने वाली है और इस बात का अंदाजा आप इसके टीजर से ही लगा सकते हैं। इस फिल्म को गैंग स्टार बेस्ड स्टोरी पर बनाई गई है। दोस्तों, आप इस मूवी को KGF चैप्टर 2 जैसे ब्लॉकबस्टर मूवी से कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि इस मूवी की स्टोरी भी कुछ ऐसी ही है और इस फिल्म के लीड रोल में हमें उपिंदर राव, श्रिया शरण और सुदीप जैसे सुपर स्टार दिखाई देने वाले हैं। इस फिल्म को 2023 में रिलीज किया जाएगा और इस फिल्म को टोटल 7 भाषाओं में बनाया गया है। दोस्तों, इस फिल्म को 19 फरवरी 2023 को रिलीज किया जाएगा।
नंबर 3 गणपत पार्ट 1। दोस्तों ये फिल्म बॉलीवुड की आने वाली एक मोस्ट अवेटेड एक्शन थ्रिलर मूवी होने वाली है, जिस फिल्म के लीड रोल में हमें टाइगर श्रॉफ और कृति सेनन जैसे स्टार दिखाई देने वाले हैं। और इस फिल्म में हमें टाइगर श्रॉफ का एक्शन के साथ साथ काफी VFX सीन भी देखने को मिलेगी। और एक रिपोर्ट के अनुसार इस फिल्म को 2 पार्ट में रिलीज किया जाएगा और इस फिल्म को 200 करोड़ रुपए की हाई बजट में बनाया गया है। इसे फिल्म मेकर विकास भैल के द्वारा बनाया जाएगा। नंबर 2 सलार। दोस्तों सलार साउथ इंडियन सिनेमा से आने वाली एक हाई एक्शन थ्रिलर मूवी होने वाली है, जिसके लिए इसके फैंस काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि इस फिल्म की डायरेक्टिंग प्रशांत नील के द्वारा किया गया है। और आप सभी तो जानते ही है प्रशांत नील KGF जैसे सुपरहिट मूवी को बना चुके हैं, इसलिए ऑडियंस इस मूवी की बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस फिल्म को 400 करोड़ रुपए की हाई बजट में बनाया जा रहा है। वैसे KGF चैप्टर 1 का बजट 80 करोड़ रुपए था और KGF चैप्टर 2 की बजट 200 करोड़ रुपए थी और प्रशांत नील की ये दोनों ही फिल्म सुपरहिट रही। दोस्तों इस फिल्म के लीड रोल में प्रभास और श्रुति हसन नजर आने वाले हैं और इस फिल्म को सितंबर 2023 में रिलीज किया जाएगा। नंबर 1 गदर 2। दोस्तों ये फिल्म 2001 में आई गदर एक प्रेम कथा की सीक्वल होने वाली है और इस फिल्म के लीड रोल में हमें सनी देओल, अमीषा पटेल और उत्कर्ष शर्मा जैसे सुपरस्टार नजर आने वाले हैं। और इस फिल्म को फिल्म मेकर अनिल शर्मा के द्वारा डायरेक्शन दिया गया है, जो कि इसका पार्ट 1 गदर एक प्रेम कथा को भी बना चुके हैं। और इस फिल्म को 100 करोड़ रुपए की हाई बजट में बनाया गया है और इस फिल्म की शूटिंग अभी चल रही है। तो दोस्तों यह थी 2023 और 2024 के बीच साउथ सिनेमा और बॉलीवुड से आने वाली 10 सबसे हाई एक्शन थ्रिलर मूवी, जिसे पैन इंडिया लेवल पर रिलीज किया जाएगा और इन सभी मूवीज के लिए इसका फैंस काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।